तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा इंदौर में। क्या होंगे चेंजेस, कैसी रहेगी पिच, जानने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। गाइस मेरा नाम है आकाश, स्वागत करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में, जहाँ पर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरे टेस्ट मैच की करेंगे बात। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों टीमों में क्या हो सकते हैं चेंजेस और कौन आएगा अंदर कौन जाएगा बाहर। तो बात करते हैं इंडिया की, जिसमें एक चेंज हो सकता है जिसमें नाम आता है केएल राहुल का। गाइस केएल राहुल के ऊपर लटक रही है तलवार, वो हो सकते हैं टीम से बाहर और उनकी जगह शुभमन गिल अंदर आएंगे। और वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में दो चेंजेस हो सकते हैं, जहां पर पहला चेंज में मिचेल स्टार्क आएंगे अंदर और पैट कमिंस आएंगे बाहर, जहां पर फैमिली प्रॉब्लम के चलते वो पहले ही ऑस्ट्रेलिया लौट चुके हैं। और गाइस बात कर लेते हैं सेकंड चेंज की, तो कैमरन ग्रीन रिप्लेस करेंगे मैट रेंसो को। गाइस ये तो हो गई चेंजेस की बात, अब बात कर लेते हैं पिच की। तो आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि कुछ इस प्रकार की पिच तैयार की गई है इंदौर में, पहले दो टेस्ट मैच में थी कुछ इस प्रकार की पिच, वैसी पिच यहाँ पर फिर से तैयार की गई है, जहाँ पर बीच में आपको घास दिख रही होगी और जहाँ बैट्समैन बैटिंग करता है वहाँ बिल्कुल घास नहीं है, ताकि स्पिनर को मदद मिल सके। और हाँ गाइस ग्राउंड में ज़्यादा चौके छक्के लगे तो हैरान मत होइएगा कि ग्राउंड काफ़ी छोटा ही है, इंदौर का ग्राउंड है। तो वीडियो यहीं तक थी गाइस, इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और हाँ आईपीएल आ रहा है तो एक के बाद एक धड़ाधड़ वीडियो आएगी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।